आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के बारे में, जिसे भाजपा ने राजनीतिक हाशिए पर ढकेल दिया है। सुशील मोदी बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर पर 15 साल नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अत्यधिक नजदीकी होने के कारण भाजपा ने 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया। तब से सुशील मोदी लगातार राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं। भले भाजपा ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जगह उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया हो, वैसे आपको बता दें कि हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए लालू परिवार और नीतीश कुमार पर अजीबोगरीब टिप्पणी करते रहते हैं। वैसे नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि सुशील मोदी इसलिए अंडसंड बोलते हैं ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें कुछ बना दे केंद्र में। वैसे आपको बता दें कि सुशील मोदी जितने दिन तक उप मुख्यमंत्री रहे, जन समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमेशा लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते रहे, जिस कारण राजद के प्रवक्ता कहते हैं कि सुशील मोदी को लालू फोबिया हो गया है। वैसे अभी भी मौका मिलने पर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। वैसे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भाजपा सुशील मोदी को और राजनीतिक हसीये पर ढकेलती है या 2024 के चुनाव में कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़वाती है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।